हेलो फ्रेंड्स, रैपिड रिविजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस लेक्चर्स में आपने जाना था डिजाइन फिलॉसफी के बारे में, जहां पे हमने डिस्कस किया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, लिमिट स्ट्रिप मेथड्स के बारे में एंड अल्टीमेट लोड मेथड्स के बारे में। आज हम जानेंगे आपका अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 लिमिट स्ट्रिप मेथड्स के बारे में। लिमिट स्ट्रिप मेथड्स को मैंने प्रीवियस में भी आपको कवर करवाया था और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको और इम्पोर्टेंट डाटा आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जब भी हम बात करते हैं लिमिट स्ट्रिप मेथड्स की, तो इस मेथड को सेव मेथड के नाम से भी जाना जाता है और स्ट्रेंथ मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो टू टाइप्स का किया जाता है। पहला कि जब कोई कंस्ट्रक्ट आप बिल्डिंग कर रहे हो वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, और दूसरा तब जब आपका बिल्डिंग बनकर पूरा कंप्लीट हो चुका हो। जब आपकी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो कौन कौन से ऐसे फैक्ट है कि जिनको मद्देनजर रखते हुए आपको अपना स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, जिसको हम एज ए टेक्निकल टर्म्स में लिमिट स्ट्रिप मेथड ऑफ कोलैप्स बोलते हैं। बट जैसे ही आपका स्ट्रक्चर बनकर कंप्लीट हो गया है, तो आप उसके बाद उसको चेक करते हैं, क्या सर वो स्ट्रक्चर आपके सर्विसेबल है या नहीं है, तो उसे हम टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है लिमिट स्ट्रिप मेथड ऑफ सर्विसेबिलिटी। क्लियर है? तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ लिमिट स्ट्रिप मेथड ऑफ कोलैप्स की, तो ये स्ट्रेंथ से रिलेटेड बात करता है, और अगर हम बात करते हैं लिमिट स्ट्रिप मेथड ऑफ सर्विसेबिलिटी की, तो आपके स्ट्रक्चर्स की होल लाइफ के रिलेटेड बात करता है। क्लियर है? अब जब हम बात करते हैं लिमिट स्ट्रिप मेथड की, तो लिमिट स्ट्रिप मेथड सर किस तरह की अप्रोच है? तो ये आपके पास एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। कैसी है सर? लिमिट स्ट्रिप मेथड ऑफ कोलैप्स आपके पास एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करते हैं लिमिट स्ट्रिप मेथड ऑफ सर्विसेबिलिटी, तो ये कैसी है सर? आपके पास डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं कि जिनको मद्देनजर रखते हुए आपका अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि वहां पे देखिएगा, तो सबसे पहले आपको वहां पे जो फ्लोविंग एस्पेक्ट्स है, तो सबसे पहले आता है आपका टॉर्जन, आपको टॉर्जन चेक करना चाहिए। उसके बाद आता है सेकंड सर आपको टेंशन, कि आपके स्ट्रक्चर्स में किसी प्रकार का टेंशन क्रिएट ना हो, वहां पे सर किसी प्रकार का कंप्रेशन ना आए, और लास्ट रहता है सर आपके स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का बेंडिंग ना हो, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं सर? फ्लेक्सर बोल सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह से जब हम बात करते हैं लिमिट स्ट्रिप मेथड ऑफ सर्विसेबिलिटी की, तो कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट है? सबसे पहले आता है आपका सर एब्रेशंस। कौन सा आता है सर? एब्रेशन। क्लियर है? एब्रेशंस के बाद अगर मैं सेकंड बात करता हूं, तो डिफ्लेक्शन, कि आपका कि जब आपका स्ट्रक्चर बन गया तो क्या उसमें किसी तरह का डिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल उसको आपने 1000 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन तो किया है, उसके ऊपर लोड पड़ रहा है 950 किलोमीटर का, और उसके बावजूद भी आपका स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये सब वहां पे चेक किया जाता है। उसके बाद सर वहां पे किसी भी तरह का कोरोजन ना हो। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर वहां पे किसी भी तरह का वाइब्रेशन ना हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपकी बिल्डिंग क्या करना शुरू कर दे सर? वाइब्रेशंस। सर लीकेज जैसी प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, लीकेज जैसी प्रॉब्लम ना हो। अब वहां पे सर किसी भी प्रकार का क्रैकिंग भी ना हो। ठीक है सर, वहां पे किसी भी तरह का क्रैकिंग भी ना हो। और सर लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी भी किसके अंडर आता है सर? आपके पास लिमिट स्ट्रिप मेथड ऑफ सर्विसेबिलिटी, लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज और गेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। क्लियर है? अब इसके बाद आता है सर आपका लोड कॉम्बिनेशन। देखिएगा, जब भी हम लोड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे सर? आपके लिमिट स्ट्रिप मेथड ऑफ कोलैप्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंड लिमिट स्ट्रिप मेथड ऑफ सर्विसेबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग बात करेंगे। अब यहाँ पे जो लोड का कॉम्बिनेशन बन सकता है वो क्या क्या बन सकता है, देखिएगा टेबल्स बाद में देखिएगा। पहले लोड का कॉम्बिनेशन जो आपका बन सकता है, डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक सेफ्टी फैक्टर यूज किया जाता है, जिसको आप एज ए लोड फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो कोलैप्स के केस में कितना किया जाता है सर? 1.5 किया जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ कितना किया जाता है सर। 1.5 लिया जाता है, और सर्विसिबिलिटी के केस में 1 लिया जाता है। सेकेंड आता है देखिएगा, डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्विक लोड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम बात करते हैं विंड लोड और अर्थक्विक की, तो दोनों में से एक साथ दोनों नहीं आ सकते, दोनों में से एक की पॉसिबिलिटी ही बनेगी। या तो आपका विंड लोड ही आएगा पहले, या अर्थक्विक लोड आएगा। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि दोनों एक साथ आ गए। अब आपका क्वेश्चन होगा सर कि अगर दोनों की वैल्यू दी गई तो हमें कौन सी लेनी, जो आपके पास मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा आपका डेड लोड प्लस विंड लोड, तो उसका भी आप कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो पहला जब नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस के लिए आपको कितना लेना है? कोलैप्स के केस में 1.5 लेना है, और सर्विसिबिलिटी के केस में 1 लेना है।
अब आता है जैसे आपका डैम वगैरह हो गया, तो डैम वगैरह के लिए सेकंड केस है फॉर चेकिंग द स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग, ठीक है। तो उस केस में क्या रहेगा आपके पास, कोलैप्स के केस में 0.9 रहेगा और सर्विसिबिलिटी के केस में 1 रहेगा, क्लियर है। उसी तरह से आता है थर्ड। अब थर्ड में क्या होता है कि सर तीनों की पॉसिबिलिटी बन रही है, डेड लोड भी आ रहा है सर, लाइव लोड भी आ रहा है और विंड लोड भी आ रहा है, विंड और अर्थक्वेक में से दोनों में से एक की ही पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो देखिएगा डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, तो इसका लोड फैक्टर कितना रहेगा सर आपके पास, 1.2 रहेगा कोलैप्स के केस में और सर्विसिबिलिटी के केस में 1 रहेगा, क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ देख भी सकते हैं डेड लोड का 1.2 है आपका और सर्विसिबिलिटी के केस में कितना रहेगा सर, 0.8 रहेगा। विंड लोड का देखिएगा यहाँ पे 1.2 है और यहाँ पे 0.8 है, क्लियर है। तो ये लोड कॉम्बिनेशंस है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके गेट एग्जाम में भी और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के भी, ठीक है। तो जो भी आपके पास यहाँ पे डिजाइन फिलॉसफी थी, आपकी डिजाइन फिलॉसफी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में, जहाँ पे हम जानेंगे आपके पास कुछ बेसिक एजम्पशंस के बारे में। पहले हम एजम्पशंस को कवर करेंगे, जैसे ही एजम्पशंस कवर हो जाएगा तो हम अपने सिंगली रेनफोर्स का एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं अब आपको नए लेक्चर्स में, तब तक इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।